हेलो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसको दो और नामों से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता या सहदेव सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में की थी। रेडियो कार्बन 14 जैसी तकनीक सहायता से इस सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस सभ्यता के अवशेष पाए जा चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ छिपे फैक्ट के बारे में। नंबर वन, यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। नंबर टू, हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। नंबर थ्री, हड़प्पा में स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा की देन है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधुवासी सूर्य की उपासना करते थे। नंबर फोर, सिंधु घाटी सभ्यता में से एक बड़ा स्नानघर खुदाई में मिला था जिसको द ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस स्नानघर की लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। यह स्नानघर धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जाता था। नंबर फाइव, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शिल्पकारी में भी कुशल थे। नंबर सिक्स, सिंधु सभ्यता के लोग बटन भी बनाते थे। सबसे पुराना बटन मोहनजोदड़ो में खोजा गया था जो लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया गया है। नंबर सेवन, सिंधु सभ्यता में सटीक माप तकनीक का विकास था। वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की होगी जिनका उपयोग लंबाई नापने, वजन तोलने आदि में किया जाता था। नंबर एट, दुनिया के सबसे पहले डेंटिस्ट। भले ही दोस्तों आज कितने भी मॉडर्न डेंटिस्ट हो, पर उस समय भी लोगों को इसकी जानकारी थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान में दो लोगों के अवशेषों पर पुरातत्व विभाग द्वारा रिसर्च की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि वो लोग डेंटिस्ट के भी ज्ञानी थे। थैंक यू।